हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पना। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां हम लोगों को अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में, अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अभी है टाइम हमारे लाइव कंसल्टेशन का, और लाइव कंसल्टेशन में मैं मदर टिंचर्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जानकारी दे रही हूँ। तो दोस्तों, सांस से जुड़ी हुई समस्या, सांस लेने में दिक्कत होना, डिस्निया, ब्रेथलेसनेस, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आजकल हमें काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। और इसके बारे में ही, मदर टिंचर्स के बारे में पहले भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। हमने बात करी है ब्लाटा के बारे में, हमने बात करी है सेनेगा मदर टिंचर के बारे में, एस्पिडोस्पर्मा के बारे में। तो आज ऐसी ही एक और मदर टिंचर जो रेस्पिरेटरी कंप्लेन एंड गैस्ट्रिक कंप्लेन में बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है, मेडिसिन का नाम है लोबेलिया इन्फ्लाटा, ये बनती है इंडियन टोबैको से। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि लाइव मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप प्रेस कर दें, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करें। मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ होम्योपैथी के बारे में, आप उनका पूरा पूरा बेनिफिट उठा सके, तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें। अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोज को कम्प्लीटली इंग्लिश में देखना, तो आप लोगों के लिए मेरा इंग्लिश का चैनल भी है, डॉक्टर अर्पना सामंता इंग्लिश। आप मेरे इंग्लिश के चैनल में भी जाके वीडियोस देख सकते हैं। एंड दोस्तों, अभी जो लाइव है, ये अगर आप मेरे चैनल के मेंबर हैं तो आप लाइव मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और आज हमारा वीकली मेंबर्स का लाइव है। तो जब आप लाइव ज्वाइन करते हैं या मेंबरशिप जब आप ज्वाइन करते हैं, तो वीडियो के नीचे आप देखेंगे एक ज्वाइन का बटन है, JOIN ज्वाइन, उसको आप क्लिक करते हैं तो आपको फर्दर डिटेल्स मिलती है, और फिर आप लाइव कंसल्टेशन का हिस्सा हो सकते हैं और लाइव चैटिंग के माध्यम से अपने सवाल, अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को मदद करने की। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, जाए मेरे वेबसाइट drarpana.com पे, और वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं लोबेलिया इन्फ्लाटा। लोबेलिया इन्फ्लाटा इंडियन टोबैको, ये जो हमारी दवा है, इसका जो मेडिसिनल यूज है वो होता है लोबेलिन कंपाउंड के वजह से, जो लोबेलिया में पाया जाता है। तो लोबेलिन इज द एक्टिव कंपाउंड जो हमें लोबेलिया इन्फ्लाटा में मिलता है, और ये हमें कैसे सिम्टम्स को डील करने में मदद करता है। तो सबसे पहले तो अस्थमा के प्रॉब्लम में, या एस्मा के प्रॉब्लम में, या ब्रोंकियल एस्मा के प्रॉब्लम में, सांस लेने में दिक्कत है, ऐसे कंडीशन में आपको मदद करता है। दूसरा, ये मेंटल सिम्टम्स या डिप्रेशन में आपको मदद कर सकता है, मेमोरी इश्यूज हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, या जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं और उसके वजह से उन लोगों को विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, तो ऐसे में लोबेलिया का जो रोल है ये बहुत ही अमेजिंग है, ये बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है सिम्टम्स को डील करने में। तो लोबेलिया को ये कहा जाता है कि ये एक वैसो मोटर स्टिमुलेंट है, या हमारे वैसो मोटर नर्व को ये स्टिमुलेट करती है। तो हमारा ब्रेन और गट, पेट का जो कनेक्शन है, तो इस नर्व को ये एक्टिवेट करती है या स्टिमुलेट करती है। और छाती में या चेस्ट में एक ऑप्रेस्ड फीलिंग होना, छाती में एक भारीपन का महसूस होना, ऑप्रेशन ऑफ चेस्ट, ऐसा लगना कि चेस्ट में कुछ हैवी फील हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, डिस्निया की सिम्टम आ रही है, ब्रेथलेसनेस की सिम्टम आ रही है, बलगम है बट निकल नहीं रहा है, तो लोबेलिया ये मदद कर सकती है कि जो म्यूकस है या बलगम है वो इजीली निकल पाए, वो थोड़ा पतला हो जाए और वो आप एक्सपेक्टोरेट कर पाए, तो ऐसे में लोबेलिया मदद करती है। तो इसीलिए पोस्ट कोविड में भी लोबेलिया का अच्छा रोल है, जहाँ पे डिस्निया एक मार्क्ड सिम्टम है, ब्रोंकियल एस्मा की अगर हिस्ट्री है पेशेंट में, एंड हम जब दवाइयाँ देते हैं तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल जो एक पिक्चर प्रेजेंटेशन होती है, एक जो सिम्टम्स प्रेजेंटेशन होती है, उसको ध्यान में रख के हम दवा देते हैं। और लोबेलिया डिस्निया या ब्रेथलेसनेस, ब्रोंकियल एस्मा, रेस्पिरेटरी कंप्लेन जिसमें कि म्यूकस निकलता नहीं है ईजिली, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, या म्यूकस थिक है, तो लोबेलिया म्यूकस को थोड़ा सा थिन करके एक्सपेक्टोरेशन में मदद कर सकती है, या एक्सपेक्टोरेट म्यूकस हो जाए इसमें मदद करती है।
तो बॉडी में एक वीकनेस, मस्कुलर पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रिक कंप्लेन में भी इसको हम दे सकते हैं। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रिक कंप्लेन दोनों में ही लोबेलिया इन्फ्लाटा का जो रोल है ये बहुत ही अच्छा है। इसको जो लोग एल्कोहल ज़्यादा लेते हैं और एल्कोहल लेने के वजह से विड्रॉल सिम्टम्स जो आते हैं उनको भी डील करने में लोबेलिया हमें मदद कर सकता है। ये बनता ही है इंडियन टोबैको से। तो बेसिकली आप देख सकते हैं जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि जो क्रूड फॉर्म में जो दवा या क्रूड फॉर्म में जो सब्सटेंस जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसी को जब हम होम्योपैथिकली प्रिपेयर करते हैं, पोटेंटाइज करते हैं, सो दैट कैन हेल्प यू टू डील विद द सिम्टम्स। जो सिम्टम्स आपको आते हैं उसको डील करने में ये मदद करता है। एल्कोहल या एल्कोहल की जो टेंडेंसी है या डिज़ायर है इसको कंट्रोल करने में हमारी और भी दवाइयाँ हैं, जैसे नक्स वोमिका है, सिफिलाइनम है, सल्फ्यूरिक एसिड है, स्टर्कुलिया है, तो इनके बारे में एक मैंने सेपरेट वीडियो में भी बात करी है, तो इसमें हम ज़रूर एक और वीडियो में बात करेंगे विस्तार में। अभी हम लोबेलिया के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। लोबेलिया की जो रेस्पिरेटरी कंप्लेंस होती हैं ये होता किससे है, जनरली अगर किसी तरह की कोई स्किन की बीमारी हो जिसको कि सप्रेस किया गया हो। क्या होता है कि अगर स्किन में एक्जिमा है या स्किन में आपको कोई ऐसी बीमारी हुई है और आपने उसको ट्रीट किया है, आपने ऊपर से कुछ उसमें मलहम ऑइंटमेंट लगाया जिससे वो जो बीमारी है व्हाट वी से होम्योपैथिकली वो आपकी बॉडी में अंदर चली गई और वो स्किन से तो सप्रेस हो गई। अब ये हो सकता है कुछ साल में कुछ महीनों में किसी एक दूसरे सिम्टम प्रेजेंटेशन के साथ बाहर आए एंड अगर सप्रेस्ड स्किन डिजीज़ या सप्रेस्ड स्किन इरप्शंस के बाद अगर अस्थमा का रूप किसी डिजीज़ ने लिया है तो इसमें भी लोबेलिया एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो सप्रेस्ड स्किन इरप्शंस या सप्रेस्ड डिस्चार्जेस के बाद अगर वो एक रेस्पिरेटरी कंप्लेन में जो प्रॉब्लम है वो तब्दील हो गई, वो कन्वर्ट हो गई, तो लोबेलिया इन्फ्लाटा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। गैस्ट्रिक कंप्लेन में अगर जैसे चेलिडोनियम एक अच्छी ऑर्गन मेडिसिन है लिवर के लिए, तो वैसे ही अगर जॉन्डिस की समस्या, कैथारल जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में हम लोबेलिया इन्फ्लाटा मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। लोबेलिया की जो गैस्ट्रिक सिम्टम है इसमें नौशिया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, उपकाई जैसे आना, वॉमिटिंग जैसा लगना, वॉमिटिंग करना, ये प्रेगनेंसी की जो वॉमिटिंग होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, जिसमें हमारी और मेडिसिन जैसे सिम्फोरी कार्पस रेसिमूसा भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन है मॉर्निंग सिकनेस के लिए, वैसे ही लोबेलिया इन्फ्लाटा भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर प्रेगनेंसी में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, नौशिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों लोबेलिया का गैस्ट्रिक हेडेक भी बहुत मार्क्ड होता है, यानी कि गैस्ट्रिक ट्रबल या एसिडिटी की वजह से पेशेंट को सर में दर्द होता है और ये जो सर का दर्द है बहुत ही सीवियर टाइप ऑफ हेडेक, पूरा सर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इंटेंसिटी ऑफ पेन काफ़ी हैवी रहती है और कभी भी एसिडिटी गैस्ट्रिक कंप्लेन हुआ तो वो कन्वर्ट हो जाता है हेडेक में, सर दर्द में, तो ऐसे में भी हम लोबेलिया मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। तो लोबेलिया का जो दर्द है वो लगभग दोपहर को ये प्रॉब्लम शुरू होगी और वो पूरी आधी रात तक, मिडनाइट तक ये प्रॉब्लम चलती है, हैवी डल हैवी पेन पेशेंट को कंटिन्यूसली सर में होता रहता है, तो ऐसे में लोबेलिया का यूज़ किया जा सकता है। ईयर कंप्लेन की हम बात करें तो अगर डेफनेस या हियरिंग लॉस हो रहा है, अगेन बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ सप्रेस्ड स्किन इरप्शन, कोई स्किन की बीमारी थी जिसको कि कोई लोकल ऑइंटमेंट या कुछ अप्लाई करके उसको दबा दिया गया हो और उसके बाद डेफनेस या हियरिंग ट्रबल के रूप में प्रॉब्लम आई है, अगेन लोबेलिया कैन बी कंसिडर्ड। सो डेफनेस ऑफ द ईयर, इसके लिए भी लोबेलिया एक अच्छी मेडिसिन, जब सप्रेस्ड इरप्शन इसका जो मुख्य कारण है वो है सप्रेस्ड इरप्शन। स्टमक की हम बात करें तो एसिडिटी, गैस ज़्यादा बनना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूल रही है, खाने के बाद सांस ऐसे फूलती है, सीने में जलन होना, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होना, नौजिया होना, वॉमिटिंग होना, मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अभी अभी बताया, तो मॉर्निंग सिकनेस के लिए भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हमारी लोबेलिया इन्फ्लाटा। इसमें पेशेंट को क्या होता है कि ऐसा लगता है कि एकदम से भूख लगी है और बिल्कुल फेंटिंग फीलिंग होती है, तो फेंटनेस की फीलिंग होना विथ वीकनेस
और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा मुंह से पानी आता है, सलाइवेशन बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में हम लोबेलिया मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। लोबेलिया के जो पेशेंट हैं, ये टोबैको की जो महक होती है, स्मेल होती है या टेस्ट होता है, इसको एकदम भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो टोबैको के स्मेल से भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पेट में ऐसा लगता है कि बिल्कुल पेट में ऐसी फीलिंग होती है कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पेट में कुछ नहीं है, ऑल गॉन सेंसेशन, ऐसी फीलिंग पेट में हो सकता है। गैस बहुत ज़्यादा बनती है और उसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस फूलना, ये भी एक प्रॉब्लम इसमें रहती है। जो सांस की प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हैं, उसमें एक कंस्ट्रिक्शन फील होना या सांस खुल के नहीं आ रहा है, कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग होना, ब्रेथलेस फील होना, ये भी एक बहुत मार्क्ड सिम्टम है जो हमें लोबेलिया में देखने को मिलता है। ऐसा लगता है छाती में कुछ भार रखा हुआ है जिसकी वजह से जो सांस है वो खुल के नहीं आ रहा। पेशेंट जब चलता है और थोड़ा तेज तेज चलता है तो उसको लगता है मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, ब्रीदिंग में मुझे बेटर लग रहा है। तो आई रिमेम्बर अ केस हेयर, तो बेसिकली इट्स अ केस ऑफ पोस्ट कोविड, तो इसमें पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी थी एंड एक बहुत पिकुलियर सा सिम्टम ये भी कि सांस लेने में दिक्कत होती है एंड अगर बैठे रहे तो प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो जब तेज तेज पेशेंट चलने लगता है सो ही फील्स बेटर। तो ऐसे सिम्टम भी हमें लोबेलिया में देखने को मिलता है कि पेशेंट इज बेटर बाय रैपिड वॉकिंग, चलने से पेशेंट बेटर फील करता है, डिस्निया के कंप्लेन में चलने से बेटर फील करता है, अगर वो बैठ जाए तो ऐसे लगता है कि जो दिल की धड़कन है वो रुक जाएगी एंड जैसे ही चले तो उसको थोड़ा सा बेटर फील होता है। दोस्तों अस्थमा के जो अटैक्स आते हैं ऐसे में भी लोबेलिया मेडिसिन मदद कर सकती है। जब अस्थमा की कंप्लेन के साथ साथ पेट में एक ऑल गॉन सेंसेशन ऐसा फील होता हो, ऐसा लगता हो कि पेट में कुछ नहीं है और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ऐसी एक जो फीलिंग होती है, इसके लिए भी हम लोबेलिया दे सकते हैं। अगर उम्र के साथ साथ, एज के साथ साथ जो रेस्पिरेटरी कंप्लेन अगर हो रही है या एम्फाइसिमा की प्रॉब्लम हो रही है एंड एज के साथ साथ यानी सेनाइल एम्फाइसिमा की अगर प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी लोबेलिया एक अच्छी मेडिसिन है। जो लोबेलिया का पेशेंट है उसको ऐसे पीछे, जैसे हम रिलैक्स होकर बैठते हैं चेयर में, ऐसे रिलैक्स होके वैसे बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो वो बिल्कुल ऐसे सीधा होके बैठेगा और पीछे एकदम से सपोर्ट लेकर नहीं बैठता है, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम लोबेलिया का, जिसमें हम लोबेलिया को कंसिडर कर सकते हैं। तो लोबेलिया की जो कंप्लेन होगी वो टोबैको से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, दोपहर को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, सर दर्द वगैरह जो है वो दोपहर को ज़्यादा महसूस होता है, और अगर ऐसा सर दर्द होता है फिर वो दोपहर को शुरू होके पूरा वो फिर रात तक, मिडनाइट तक प्रॉब्लम रहती है। पेशेंट बेटर कैसे होता है? बेटर होता है चलने से, रैपिड वॉकिंग से पेशेंट बेटर फील करता है। क्लिनिकली लोबेलिया इन्फ्लाटा को हम अल्कोहलिज्म में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको एंजाइना पिक्टोरिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, अस्थमा ब्रोंकियलास्मा या अस्थमा के लिए यूज़ कर सकते हैं, कार्डियल्जिया के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हम डेफनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर सप्रेस्ड इरप्शंस के बाद डेफनेस हुआ हो, डेबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिस्पेप्सिया, एम्फाइसिमा कैसा, सेनाइल एम्फाइसिमा, तो ओल्ड एज के साथ साथ जो एम्फाइसिमा है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, फेंटिंग फीलिंग, ऑल गॉन सेंसेशन इन द स्टमक में हम यूज़ कर सकते हैं, हे एस्मा में हम यूज़ कर सकते हैं, हम इसको हार्ट की बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको हेडेक में यूज़ कर सकते हैं, मेनिंजल हेडेक में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लस्टर हेडेक में हम यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग सिकनेस यानी प्रेगनेंसी में जो वॉमिटिंग नौशिया फीलिंग होती है इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अगर जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लिए हैं और उसके वजह से उनको विड्रॉल सिम्टम्स अल्कोहल छोड़ने के वजह से हो रहा है, ऐसे हम कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, पैल्पिटेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं, जो लोग ज़्यादा चाय वगैरह पीते हैं और उसके वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है या होती है, या चाय पीने के वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ऐसे में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लिनिकल इंडिकेशंस लोबेलिया की। अब बात है लोबेलिया को कैसे यूज़ करें, तो लोबेलिया टिंचर फॉर्म में ज़्यादा बेटर आपको मदद करेगी, तो आप मदर टिंचर या जिसको हम क्यू बोलते हैं, तो मदर टिंचर के रूप में इसको ले सकते हैं, 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार करके या 3 बार करके सिम्टम के अनुसार इसको लिया जा सकता है।
तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट लोबेलिया इन्फ्लाटा, अ वेरी वेरी गुड मेडिसिन फॉर योर रेस्पिरेटरी कंप्लेन, फॉर डिस्निया, फॉर ब्रेथलेसनेस, फॉर अस्थमा, म्यूकस नहीं निकल रहा है तो लोबेलिया का यूज कर सकते हैं जिससे म्यूकस लूज होकर निकले और पेशेंट को जो छाती में एक टाइटनेस की फीलिंग है उससे बेटर हो और उससे पेशेंट को निजात मिल पाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया होम्योपैथिक मेडिसिन लोबेलिया इन्फ्लाटा या इंडियन टोबैको के बारे में आपने इसको पसंद किया है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को ज़रूर शेयर करना है अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ ताकि बाकी लोग भी होम्योपैथी से जुड़ सके, होम्योपैथिक मेडिसिन का बेनिफिट उठा सके। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आप अपडेटेड रहें with all the latest information about homeopathy that I shared with you all. Appointment book karna chahte hain to jaye mere website drarpana.com pe, wahan pe aapko sari details mil jayegi. Aur mere office ka WhatsApp number bhi hai, description box mein diya hua hai, aap usme WhatsApp ke madhyam se bhi message bhej sakte hain, wahan pe bhi appointment ki details mil jayegi. Aur bhi aisi bahut sari jankari hai jo niche description box mein hai, aap unko zarur dekh le. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।